आप इतने अच्छे से कहाँ थी, नजर नहीं आई। मैं यहीं पर थी एक्चुअली, जो है 5 अगस्त आने वाला है तो मैं इस सिलसिले में थोड़ी मसरूफ थी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि 5 अगस्त के बारे में हमने सुना तो काफ़ी कुछ है, लेकिन आप बताइए एक्चुअल में 5 अगस्त वाले दिन क्या हुआ था। 5 अगस्त वाले दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल जो हैं वो इंडिया ने जो है उसके पार्लियामेंट में रिवोक किए थे, आर्टिकल 370 और 35A, जिसकी वजह से कश्मीर को डायरेक्टली हिट हुआ था। ये आर्टिकल्स रिवोक होने से कश्मीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप मुझे ये बताएं। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी आर्टिकल्स हैं क्या। जो आर्टिकल 370 है ना, वो कश्मीर का एक ऑटोनमस स्टेटस प्रोवाइड करता है कि कश्मीर एक अलहदा स्टेट है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन वो रिवोक करने के बाद जो है ना, कश्मीर को मर्ज कर दिया गया, कश्मीर और लद्दाख को मर्ज कर दिया गया विद इंडिया के साथ, कम्प्लीटली लीगली मर्ज कर दिया गया। जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है ना इसको, इस टेरिटरी को कहना शुरू कर दिया कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और जो आर्टिकल 35A है वो कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। और कश्मीर कॉस्ट पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इस तरह जो ये बात है कि जब आर्टिकल 35A रिवोक होता है तो डेमोग्राफी जो है ना डायरेक्टली हिट होती है। जब डेमोग्राफी चेंज होगी तो जब यहाँ पे यूएन के प्लेबिसाइट होंगे तो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो उनका हर्ट होगा, और कश्मीर कॉज इटसेल्फ हर्ट होगा। जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो तो वोट ही नहीं कर सकेगी, वहाँ पे तो सेटलर्स आके वोट कर देंगे। और इसके अलावा वहाँ पे जो जॉब की टॉप पोजीशंस हैं वो भी सेटलर्स को दी जा रही है, जो बाहर से इंडियन पॉपुलेशन कश्मीर में आके सेटल हो रही है। कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकते थे बाहर के लोग, लेकिन इस आर्टिकल के रिवोक होने के बाद वहाँ पे उनको लैंड परचेज करने की भी इजाज़त दी जा रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस पर ह्यूमन राइट्स जो कश्मीर में हैं उन पे कितना, किस एक्सटेंट तक फर्क पड़ रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये आर्टिकल रिवोक होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रॉस हो चुके हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन कश्मीर जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन बन गया है। वहाँ पे पैलेट गन का इस्तेमाल, टीयर गैस का इस्तेमाल, जो कि इंटरनेशनल लॉ में बैन है, वॉर क्राइम्स हैं, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से और इन आर्टिकल रिवोक होने के बाद कश्मीर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं रहा, वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू बन चुका है और वो एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। लिहाजा कश्मीर इशू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। इंडिया ने कश्मीरियों के ऊपर बहुत ग्रॉस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी हैं और उसने कश्मीर को एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन बना दिया है। सो हमें चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ। Kashmir is a separate nation and we should strive for its independence. So stand with humanity, stand with Kashmir.